तो अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट वन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ही कि हम इस मांगा में बीरस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की जर्नी को देख रहे हैं, जिसे हमें इस फैन मांगा में दिखाया गया है, जो कि काफी अच्छी तरह से बताया गया है। साथ ही पिछले एपिसोड में तुमने देखा ही होगा कि बीरस अपने प्लेनेट पर जैसे ही वापस आता है, कोई अजीब सी शक्ति उसके पूरे परिवार समेत उसके टाउन के साथ उसके सभी लोगों को खत्म कर देती है। जहां अब हम देखते हैं कि चैंपा और बीरस इस चीज को दूर से पहाड़ पर बैठे देख रहे होते हैं, जहां वो चिल्लाते हैं कि वो सिटी तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसे देखकर चैंपा काफी घबरा जाता है और बीरस गुस्से में कहता है कि ये आखिर किया किसने है, और ऐसा कहकर वहां से तेजी से उड़कर उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे चैंपा रोकते हुए कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूं, और वो भी उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों बड़ी तेजी से उड़ते हुए जाकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर ये अटैक हुआ होता है, जहां बीरस अब हवा में रुककर उस चीज को देख रहा होता है और चैंपा पीछे से कहता है कि हे बीरस, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? बीरस कहता है कि हां, ये कुछ अजीब सी पावर है जो कि बहुत इविल है। और उसी समय बीरस और चैंपा एक अजीब सी परछाई को देखते हैं और बीरस चैंपा से कहता है कि चैंपा अपने गार्ड को डाउन मत करना, यहाँ थोड़ा संभल कर रहना, अब हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं जो कि उस टाउन को तबाह करके उसके बीच में खड़ा होता है, जिसे देखकर बीरस और चैंपा काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा ये डरावना चेहरा देख के डर जाऊंगा? अब बीरस ऐसा बोलते ही बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और एक पावरफुल पंच उसे मारता है और मॉन्स्टर भी उस पंच को मारता है, जहां दोनों के पंच काफी तेजी से टकराते हैं और वहां पर काफी तेज से सोनिक वेव्स बहने लगती है जो कि उनके पंच के अटैक से निकली होती है। अब यहां दोनों काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर काफी तेजी से पंचेस से वार करने लगते हैं और मॉन्स्टर के इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके पंचेस काफी तेज होते हैं, जिसे बीरस डॉच कर रहा होता है और उन्हें डॉच करते हुए एक पावरफुल पंच उसके पंच पर दोबारा दे मारता है। अब यहां दोनों के पंचेस काफी तेजी से टकराने लगते हैं और दोनों काफी तेजी से वहां एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं, जिसे चैंपा नीचे से देखकर कहता है कि ये बीरस सच में बहुत पावरफुल हो गया है और ये जब सीरियस हो जाता है तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ये मेरे टाइम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब वो ऐसा ही बोलते हुए उन्हें देख रहा होता है और वो दोनों काफी तेजी से वहां लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर काफी तेजी से वार कर रहे होते हैं, जहां एकदम ही बीरस एक पावरफुल अटैक अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर पे करता है, जिसे करते ही बीरस भी पीछे की तरफ जाने लगता है और वो मॉन्स्टर उड़कर सीधा जमीन में जाकर गिरता है। अब बीरस यहां कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुमने आखिर क्या सोच के मेरे लोगों को मारा है? अब पीछे से चैंपा कहता है कि क्या ये मर गया? बीरस कहता है कि हाँ बिल्कुल बेवकूफ, क्या तुम देख नहीं सकते? अब बीरस ऐसा कहता ही है कि वहां हम एक छोटी सी हलचल देखते हैं, जिसे देखकर बीरस और चैंपा एकदम हैरान हो जाते हैं और बीरस कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? और ऐसा वो जैसे ही कहता है वो मॉन्स्टर सीधा उस जगह से सीधा बीरस और चैंपा की तरफ बढ़ जाता है, जहां चैंपा उस जगह से हट जाता है और बीरस वहीं टिके हुए कहता है कि क्या स्पीड है, और वहां खड़े रहता है। अब वो मॉन्स्टर एकदम तेजी से आकर बीरस को अपने हाथों में जकड़ लेता है और वहीं पर पकड़े हुए एक पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक के साथ उसे जमीन में पटक देता है और बीरस वो अटैक खाने के बाद काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं तुरंत चैंपा एक की अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिसे खाकर मॉन्स्टर बीरस से अलग होता है और चैंपा बड़ी तेजी से आकर एक पावरफुल किक उस मॉन्स्टर के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर मॉन्स्टर काफी तेजी से दूर जाने लगता है, जिसे बीरस देखकर हैरान होता है और चैंपा मुस्कुरा रहा होता है। अब यहां चैंपा कई सारे की अटैक्स उस मॉन्स्टर पर करने लगता है, जिसे वो मॉन्स्टर खाकर सीधा पीछे की तरफ जाकर जमीन पर घिसड़ते हुए गिरता है। अब बीरस भी वहां उठकर आ जाता है। अब यहां बीरस उठकर आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता यहां हो क्या रहा है, लेकिन ये मेरे लिए ही अच्छा है। अब चैंपा बीरस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो बीरस, आखिर ये है क्या चीज, ये तो इस वर्ल्ड की लगती भी नहीं है। अब हम यहां देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से अपनी पावर बढ़ाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा तेज और खतरनाक दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर चैंपा कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मुझे इसे देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और हमें अगर इसे हराना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। बीरस चैंपा का जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे साथ लड़ाई करूं, इससे बढ़िया मैं उससे कुचला ना जाऊं। चैंपा कहता है कि चैंपा वहीं तुरंत चिल्ला के कहता है कि वो आ रहा है और वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी से उनके पास पहुंच जाता है और उन दोनों पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है, जिस पर बीरस कई सारे की अटैक्स का वार करता है, जिसे खाकर वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही पीछे की तरफ जाने लगता है चैंपा पीछे से तुरंत उस मॉन्स्टर पर एक पावरफुल पंच से अटैक करता है और उसको दोबारा ऊपर की तरफ फेंक देता है, जहां बीरस कहता है कि अभी चैंपा। चैंपा कहता है कि चुप रहो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत बताओ। और ऐसा कहते हुए वो दोनों एक पावरफुल की अटैक दोनों तरफ से उस मॉन्स्टर की तरफ करते हैं और वो अटैक सीधा मॉन्स्टर को जाके लगता है, जिसकी वजह से वो अटैक काफी ज्यादा वहां
बड़ा दिखाई देता है। अब वो दोनों उस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमने कर दिया। अब जैसे ही वहां से धूल हटती है, बीरस और चैंपा ये देखकर हैरान होते हैं कि वो अभी भी एकदम ठीक होता है। और फिर यहां बीरस कहता है कि मुझे लगता है कि यहां कॉमन अटैक वर्क भी नहीं करेंगे। अब यहां बस एक ही अटैक करना बाकी है जो कि मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं उस अटैक को करता हूं तो शायद इस प्लेनेट को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक उसे मास्टर नहीं किया है, लेकिन मैं इस चीज से नहीं डरता हूं। अब बीरस ये जैसे ही कहता है, हम कई सारे और लोगों को वहां पर तेजी से आता हुआ देखते हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा हमें वहां दिखाई देती है, जो कि उसी प्लेनेट के लोग होते हैं और बीरस जैसे ही दिखने वाले लोग होते हैं जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए आते हैं। और हम यहां देखते हैं कि कई सारे बीरस जैसे दिखने वाले लोग वहां आकर खड़े होते हैं, जो कि चार होते हैं, जिसमें से एक कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे लोगों पर अटैक करोगे और उसके लिए तुम्हें कुछ भुगतना भी नहीं पड़ेगा। अब यहां बीरस ये देखकर हैरान होता है कि ये सब यहां है, और बीरस उनसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मैच नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब बीरस ऐसा कह ही रहा होता है कि वो मॉन्स्टर एक बड़ा अटैक बनाकर सीधा बीरस की तरफ फेंक देता है। अब बीरस के लोगों में से एक कहता है कि हम सब अटैक करेंगे लेकिन एक ही वार करेंगे, और ऐसा कहते हुए ही वो सब एक पावरफुल की अटैक उस मॉन्स्टर के अटैक की तरफ कर देते हैं, जिसे देखकर बीरस कहता है कि क्या तुम सब बेवकूफ हो। और वहां उन दोनों का अटैक काफी तेजी से टकराता है, जिसमें उस मॉन्स्टर का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो अटैक उन लोगों से जैसे ही टकराता है वो उनका नामो निशान मिटा देती है। अब उसको देखते हुए चैंपा चिल्लाकर बीरस से कहता है कि बीरस, ये हमारे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो ये हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ऐसा सुनते ही बीरस काफी तेजी से उस अटैक की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वहीं उसे अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी मदद करते हुए चैंपा वहां पर की अटैक करता है और बीरस से कहता है कि बीरस यहां ध्यान रखो, मैं इसे संभालता हूं। अब चैंपा जैसे ही उस पर की अटैक करता है, वो मॉन्स्टर उसके सामने से एकदम ही गायब होकर सीधा उसके पास आ जाता है और उसे अपने हाथों से पकड़कर वहीं दबा देता है, और वहीं पर चैंपा को पकड़े हुए होता है। और वहीं दूसरी तरफ बीरस उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बीरस अपना पूरा दम उस अटैक को ही रोकने में लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मुझे इस मॉन्स्टर से कुछ बचाना है तो मुझे अब बस वो करना ही होगा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा कहते हुए बीरस एक अटैक करता है और कहता है हकाई, और ऐसा कहते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उस अटैक को खत्म करके अपने सांसों को भर रहा होता है। लेकिन वहीं वो देखता है कि चैंपा भी बहुत बुरी तरह घायल है और वहां वो जमीन पर पड़ा है, जिसे देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहां बीरस जैसे ही संभल ही रहा होता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा हवा में जाकर एक और वैसा ही बड़ा अटैक दोबारा बनाने लगता है, जिसे वो सीधा बीरस की तरफ दोबारा फेंक देता है, जिसे देखकर अब बीरस एकदम हैरान होता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर उस चीज में खत्म कर दी, मैंने उसे उस हकाई में पूरी तरह से इस्तेमाल कर दिया है, और अगर मैं अभी अपनी पूरी पावर पर होता भी तो ये शायद मुझे तब भी हरा देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब बस मुझे अपने आखिरी पल को देखना है। अब बीरस ये जैसे ही कहता है, वहां हम देखते हैं कि उस अटैक को किसी ने एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे वो मॉन्स्टर भी देखकर हैरान होता है। और वहीं वो बीरस से कहता है कि बहुत अच्छे बीरस, तुमने अपना एक अच्छा काम किया है, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के लायक जो कर सकते थे वो तुमने किया। अब बीरस ये सुनकर एकदम ही हैरान होता ही है कि वहां अब यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड टेरोन आ जाता है, जिसके साथ सुप्रीम काय और विस होते हैं। और यहां टेरोन बीरस से कह रहा होता है कि लेकिन ये बैटल सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए ही है, जो कि मैं खुद हूं। और ऐसा कहते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो, तुमने इस चैप्टर में एक गजब फाइट देखी ही होगी, लेकिन साथ ही इसके अगले चैप्टर में एक और मस्त फाइट तुम्हें देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेरोन की पावर दिखाई देगी। अब देखो, तुम्हें अगर ये मांगा पसंद आ रही हो और मेरा नरेशन पसंद आ रहा हो तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी ला सकूं। बाकी बस ऐसे मांगास के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।